हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। लास्ट वीडियो में आप लोगों से हम डिस्कस कर चुके हैं इमेजिनरी क्वांटिटी के बारे में कि इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है। तो इमेजिनरी क्वांटिटी के बारे में बताए थे कि इमेजिनरी क्वांटिटी जो है वो दो कंडीशन पर बनता है। अगर रूट के अंदर निगेटिव है तो इमेजिनरी बनेगा, और अगर लॉग के आर्गुमेंट में निगेटिव क्वांटिटी है तो इमेजिनरी क्वांटिटी बनेगा। फिर हम आपको बताए थे कि आई के अलग अलग पावर को किस तरह से डील करते हैं, तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए यहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इन करने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट का। याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड अगर आप कहीं भी देख रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x प्लस आई वाई, जहां पे जेड तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये x, ये सेक्शन जो है ये आपका कहलाएगा रियल पार्ट, ये आपका रियल पार्ट कहलाएगा, और ये वाला सेक्शन जो है ये आपका पूरा कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। जहां पे ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। यहां पे अगर हम देखें तो एक्स और वाई दोनों आपका रियल क्वांटिटी है। एक्स और वाई दोनों आपका क्या है? रियल क्वांटिटी। लेकिन हम इसको इमेजिनरी पार्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आई से मिला हुआ है, और आई से मिला हुआ कोई भी क्वांटिटी, आई से मिला हुआ कोई भी रियल क्वांटिटी जो है वो इमेजिनरी क्वांटिटी में बदल जाता है। जैसे टू आपका एक रियल नंबर है, टू आपका एक रियल नंबर है, लेकिन जैसे ही हम इसको आई से मिला देंगे ये टू आई हो जाएगा। टू आई अगर हो गया मतलब ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। टू आई अगर हो गया तो ये क्या है? इमेजिनरी क्वांटिटी। तो अगर हम केवल वाई को देखेंगे, केवल वाई को, तो वो आपका रियल क्वांटिटी है, वो रियल नंबर है। अगर हम एक्स को देखेंगे तो वो रियल नंबर है, लेकिन यहां पे हम एक साथ आई वाई को देख रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? इमेजिनरी पार्ट। इसी चीज में एक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, ये कहलाता है आरई, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड यहां पे क्या है? एक्स। उसी तरह से आई एम जेड, अगर आप कहीं भी देख रहे हैं आई एम जेड, मतलब ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आपका किसके बराबर है? वाई के बराबर। याद रखे, आरई जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो एक्स के बराबर है, आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आपका किसके बराबर है? वाई के बराबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या हो गया? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन। जहां पे आई के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आई का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर माइनस वन। आई स्क्वायर आपका क्या होता है? माइनस वन। आई क्यूब क्या होता है? माइनस आई। और आई का पावर फोर क्या होता है? वन। अब जरा गौर करें, जेड एक्स प्लस आई वाई ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्योरी रियल और एक होता है प्योरी इमेजिनरी। ध्यान दें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरी रियल मतलब ये स्पेशल टाइप का है, एक प्योरी रियल होगा, प्योरी रियल, और दूसरा प्योरी इमेजिनरी। अब सवाल ये उठता है कि सर प्योरी रियल और प्योरी इमेजिनरी कब होगा? जरा आप सोचे, इसको पकड़े, यहां पे क्या है? प्योरी रियल। प्योरी रियल का मतलब क्या होता है? कि केवल रियल होना चाहिए। प्योरी रियल मतलब क्या होता है? केवल रियल होना चाहिए, मतलब केवल रियल होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ये नहीं होना चाहिए तो मैथ्स में इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कब नहीं होगा? जब y जीरो होगा। मतलब कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम y के जगह पे जीरो रख दे, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम y के जगह पे जीरो रख दे, तो आप खुद देखिए मेरे पास क्या आएगा? z इज इक्वल टू x आएगा। x आपका कैसा क्वांटिटी है? रियल क्वांटिटी है। ये आपका क्या है? रियल पार्ट है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में खाली रियल पार्ट बचा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में खाली रियल पार्ट बचा, इसलिए ये आपका क्या हो गया? प्योरी रियल। मतलब कि प्योरी रियल के केस में,
प्योरली रियल के केस में जो आपका इमेजरी पार्ट होता है वो जीरो होता है। प्योरली रियल के केस में जो आपका इमेजरी पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, जीरो। याद रखेंगे, अगर कहीं भी कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली रियल है, अगर कहीं भी कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली रियल है, मतलब वहां पे इमेजरी पार्ट जीरो होगा, वहां पे इमेजरी पार्ट जीरो होगा। अगर यहां पे कह रहा है प्योरली इमेजरी, अगर यहां पे कह रहा है प्योरली इमेजरी, तो प्योरली इमेजरी कब होगा, जब ये क्वांटिटी नहीं होगा, ये क्वांटिटी नहीं होगा, मतलब रियल पार्ट क्या होगा, जीरो। तो प्योरली इमेजरी, सोचिए प्योरली इमेजरी मतलब केवल इमेजरी होना चाहिए, तो केवल इमेजरी होना चाहिए मतलब रियल पार्ट का जो इफेक्ट है वो खत्म होना चाहिए, रियल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो रियल पार्ट कब नहीं होगा, जब एक्स जीरो होगा, और जब एक्स जीरो होगा तो जेड आपका क्या बनेगा, आई वाई, और इस केस में ये क्या बनेगा, प्योरली इमेजरी। तो आप यहां से याद रखें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो वहां पे इमेजरी पार्ट जीरो होगा, वहां पे इमेजरी पार्ट जीरो होगा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी है तो वहां पे रियल पार्ट जीरो होगा। कहीं भी अगर कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, अब तुरंत इमेजरी पार्ट को जीरो करेंगे। कहीं भी कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी है, तो आप रियल पार्ट को क्या करेंगे, जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मानिए आपके पास एक प्रॉब्लम है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू प्लस आई एक्स माइनस थ्री। अब कह दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी है या प्योरली रियल, कह दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये प्योरली रियल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान दे, क्या कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो x का वैल्यू क्या होगा, प्योरली रियल है मतलब इमेजरी पार्ट क्या होगा, जीरो। यहां पे आप खुद देख सकते हैं इमेजरी पार्ट क्या है आपके पास, x माइनस थ्री, तो हम x माइनस थ्री को जीरो से इक्वेट किए, तो जैसे ही हम x माइनस थ्री को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री। तो अगर x का वैल्यू थ्री हो गया तो ये प्योरली रियल कब बनेगा, व्हेन x इज इक्वल टू थ्री। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा तो कॉम्प्लेक्स नंबर z x क्या पे थ्री रखे तो थ्री प्लस टू क्या बना, फाइव, और यहां पे जीरो, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया फाइव। अगर यहां पे कह देता है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजरी, प्योरली इमेजरी, तो रियल पार्ट, तो x का वैल्यू क्या होगा, प्योरली इमेजरी है तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो प्योरली इमेजरी है तो क्या जीरो होना चाहिए, रियल पार्ट। रियल पार्ट यहां पे कौन है, x प्लस टू, तो यहां पे हम x प्लस टू को जीरो से इक्वेट किए, तो x प्लस टू को जीरो से इक्वेट किए तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस टू, तो ये आ गया x का वैल्यू माइनस टू। तो मतलब कि व्हेन x इज इक्वल टू माइनस टू देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, प्योरली इमेजरी, व्हेन x इज इक्वल टू थ्री देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, प्योरली रियल। तो प्योरली रियल के लिए इमेजरी पार्ट को आप जीरो रखेंगे और प्योरली इमेजरी के लिए रियल पार्ट को आप जीरो रखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब जरा ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी भी फॉर्म में है तो सबसे पहला काम होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। याद रखें, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कह रहा है मतलब कि रियल पार्ट का सेक्शन एक होगा, इमेजरी पार्ट का सेक्शन एक होगा, रियल पार्ट एक तरफ सेपरेटेड होगा और इमेजरी पार्ट एक तरफ सेपरेटेड होगा, मतलब एक ब्रैकेट में। जब रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को हम सही से सेपरेट करके लिखते हैं तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। वही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम आते हैं अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में। अलजेब्रा, अलजेब्रा चार चीजों से कंप्लीट होता है, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। याद रखेंगे, अलजेब्रा चार चीजों से कंप्लीट होता है, जिसमें एडिशन कहलाता है, सब्ट्रैक्शन कहलाता है, मल्टीप्लीकेशन कहलाता है और डिवीजन कहलाता है। अलजेब्रा, अलजेब्रा में जो ये चार ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये चारों आपका बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन, इसको हम बाइनरी ऑपरेशन क्यों कहते हैं, सवाल ये उठता है। बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कि वह ऑपरेशन जो एट ए टाइम दो एलिमेंट पे लगता हो, वह ऑपरेशन जो एट ए टाइम दो एलिमेंट पे लगता हो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछा कि टू प्लस का वैल्यू क्या होगा बताओ, तो आप कुछ भी आंसर नहीं कर सकते। टू प्लस का वैल्यू क्या होगा कोई नहीं बता सकता। अगर आपसे हम पूछे कि बताओ थ्री माइनस का वैल्यू क्या होगा, तो भी यहां पे आंसर नहीं किया जा सकता। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ टू इंटू का वैल्यू क्या होगा, तो भी आंसर नहीं किया जा सकता। सिमिलरली, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ टू डिवाइड बाई इज इक्वल टू इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पे भी आंसर नहीं किया जा सकता।
तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब एक एलिमेंट था तो इसका आंसर कंप्लीट नहीं किया जा सकता था, लेकिन हम जैसे ही यहां पे 1 लिखेंगे सबका आंसर आएगा 3, जैसे हम यहां पे 2 लिखेंगे सबका आंसर आएगा 1, जैसे हम यहां पे 4 लिखेंगे सबका आंसर आएगा 8, जैसे हम यहां पे 2 लिखेंगे सबका आंसर आएगा 1.5, सबका आंसर क्या आ जाएगा 1.5। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि प्लस है, तो प्लस तभी मीनिंगफुल हुआ जब इसके साथ दो एलिमेंट आया, प्लस तभी एक्टिव हुआ जब इसके साथ दो एलिमेंट आया। जब एक एलिमेंट था तो उस केस में प्लस एक्टिव ही नहीं था, ये बता ही नहीं सकता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। माइनस भी आपका तभी एक्टिव हुआ जब इसके साथ दो एलिमेंट था, मल्टीप्लिकेशन भी तब एक्टिव हुआ जब इसके साथ दो एलिमेंट था, डिवीजन भी तब एक्टिव हुआ जब इसके साथ दो एलिमेंट था। जब ये अकेला था, अकेला किसी एक एलिमेंट के साथ था, तो उस केस में हम वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, उस केस में हम बता नहीं पा रहे थे कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस वजह से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। याद रखें, जब कभी भी प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, जब कभी भी प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो उस केस में हमेशा आपके पास दो एलिमेंट का होना जरूरी है, जिस वजह से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्यों कह रहा था ये क्लियर, बाइनरी ऑपरेशन इसलिए कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन हम उस तरह के ऑपरेशन को कहते हैं जो एट ए टाइम दो एलिमेंट पे ऑपरेट हो। तो यहां पे हम क्या डील करने जा रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डील करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम चार तरह का ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। कौन कौन सा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और अभी हम आपको क्या बताएं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो इसको एक्टिव बनाने के लिए, इस ऑपरेशन को देखने के लिए मेरे पास दो एलिमेंट का होना जरूरी है। और दोनों एलिमेंट कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंसीडर करते हैं और दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस IY1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस IY2। ध्यान दे, यहां पे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर किए, एक Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस IY1 और दूसरा Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस IY2। हम यहां पे सबसे पहले एडिशन करने जा रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या करने जा रहे हैं, एडिशन। तो यहां पे हम Z1 प्लस Z2 लिखे, तो Z1 के यहां पे क्या आएगा, X1 प्लस IY1, फिर प्लस Z2 के जगह पे क्या आएगा, X2 प्लस IY2, ये आ गया। अब आप यहां पे देख सकते हैं, यहां X1 यहां X2, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, X1 प्लस X2 आ गया। फिर गौर करें, यहां IY1 यहां IY2, हम यहां से अगर I कॉमन ले लिए तो ये Y1 प्लस Y2 आ गया। गौर करें, हम यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई ऐड किए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या किए हैं ऐड, तो Z1 प्लस Z2 था तो Z1 के यहां पे X1 प्लस IY1 लिखे, Z2 के यहां पे X2 प्लस IY2 लिखे, यहां पे X1 प्लस X2 को एक ब्रैकेट में रखे, इन दोनों से I कॉमन दिए तो Y1 प्लस Y2 हो गए। अब आप गौर करें, यहां पे रियल पार्ट सब एक साथ हो गया, इमेजिनरी पार्ट सब एक साथ हो गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। मतलब कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आएगा, वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। जब कभी भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, तो जो मेरे पास रिजल्ट आता है, जो मेरे पास आउटकम आता है, वो भी मेरे पास क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक वैसे ही अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करें, सब्ट्रैक्ट, तो Z1 माइनस Z2 किए, तो Z1 के जगह पे हम क्या रखेंगे, X1 प्लस IY1, फिर माइनस Z2 के जगह पे क्या रखेंगे, X1 X2 प्लस IY2। ध्यान दें, यहां पे Z1 माइनस Z2 है, Z1 के जगह पे हम X1 प्लस IY1 रखे, Z2 के यहां पे हम क्या रखे, X2 प्लस IY2। अब हम यहां पे इन दोनों को X1 माइनस X2 कह सकते हैं, यहां पे देखें X1 है माइनस X2, इन दोनों से अगर हम I कॉमन ले लिए तो ये Y1 माइनस Y2 बना। यहां पे भी आप देख सकते हैं, रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हुआ है और इमेजिनरी पार्ट भी सब्ट्रैक्ट हुआ है, रियल पार्ट सेपरेट हो गया, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया, ये भी आपका, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन भी आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हो या दो
कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है सीन? ध्यान दे, यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन बताने जा रहे हैं, तीसरा पार्ट मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड वन इंटू जेड टू, जेड वन के जगह पे एक्स वन प्लस आई वाई वन आ गया, जेड टू के जगह पे एक्स टू प्लस आई वाई टू। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं बस ये ध्यान रखना है कि जहां पे आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या बनता है? माइनस वन, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं कि आई क्या है? आपका रूट अंडर माइनस वन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x1 x2 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i टाइम्स x1 y2 आएगा, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i टाइम्स y1 x2 बनेगा, फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये i का स्क्वायर बना, i का स्क्वायर y1 y2 बन गया। अब आप गौर करें, यहाँ पे x1 x2 है, i का स्क्वायर क्या बनता है? माइनस वन। तो यहां पे x1 x2 आ गया, तो ये x1 x2 आया, आई स्क्वायर माइनस वन बनेगा तो माइनस y1 y2 बना। ध्यान दे, यहां पे x1 x2, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, तो ये y1 y2 बना। इन दोनों से अगर हम i कॉमन ले ले, तो i कॉमन हम लिए तो ये x1 y2 प्लस y1 x2 बन गया। तो मेरे पास ये आ गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो मेरे पास यहां पे z1 z2 क्या आ गया? x1 x2 माइनस y1 y2, x1 y2 प्लस y1 x2। अगर आप इसको भी गौर से देखें तो यहां पे देखिए रियल पार्ट ये पूरा, क्यों रियल पार्ट ये पूरा? क्योंकि ये पूरा i से इंडिपेंडेंट है। ये आपका गौर करें, ये पूरा पूरी इमेजिनरी पार्ट, तो यहां पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों है वो आपका क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। मतलब एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो गिव्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब बचा क्या है? डिविजन। अच्छा, यहां पे हम ये करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम के बीच बीच में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन आ सकता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है, डिविजन आ सकता है। तो आप इसी प्रोसेस से करते चले जाएंगे, इसी प्रोसेस से, कहीं रूल अलग नहीं है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देना। जैसे यहां पे देखिए आई और आई कॉमन आ रहा था तो सेपरेट कर दिए, रियल पार्ट को हम सेपरेट रखें। आई स्क्वायर जहां भी आएगा माइनस वन, आई क्यूब जहां भी आ गया माइनस आई, और आई का पावर फोर अगर आ रहा तो वन। अगर आई का पावर फोर से अधिक है तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। कम कैसे करना है ये आप लोगों को हम बता चुके हैं। अब यहां पे हम आपको बताने जा रहे हैं डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा आपको दिमाग में रखना है। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में यहां पे क्या है? आपके पास जेड वन बाई जेड टू है, जेड वन आपके पास क्या है? एक्स वन प्लस आई वाई वन है, जेड टू है आपके पास एक्स टू प्लस आई वाई टू। ध्यान दें, जेड वन बाई जेड टू, जेड वन आपके पास एक्स वन प्लस आई वाई वन है, जेड टू आपके पास एक्स टू प्लस आई वाई टू है। हम यहां पे डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स है, तो अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कभी भी आ जाए, तो सबसे पहला काम उसका रैशनलाइज करेंगे, याद रखेंगे। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी आ जाए तो सबसे पहले उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। अब हम यहां पे डिनोमिनेटर में x2 plus i y2 है, तो हम यहां पे क्या किए? x2 minus i y2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। याद रखे, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में रहेगा तो रैशनलाइज, और रैशनलाइज करते समय एक चीज याद रखना आपको कि जो आई का साइन है खाली उसके साइन को चेंज करेंगे। अब आई का साइन प्लस था तो माइनस कर दिया, अगर माइनस होता तो प्लस। अब जो जानते हैं उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स वन एक्स टू बना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई एक्स वन वाई टू, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आई वाई वन एक्स टू बनेगा, फिर ये आपका क्या बनेगा? माइनस आई का स्क्वायर, आई इंटू आई आई स्क्वायर वाई वन वाई टू होल डिवाइड बाई, यहां पे गौर करें ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ये x2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर y2 का स्क्वायर बना। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये x2 का स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y2 का स्क्वायर बना। हम यहां पे देख रहे हैं i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, माइनस माइनस आपका क्या बनेगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 बना, x1 x2 प्लस y1 y2। इन दोनों से अगर हम i कॉमन दे दिए तो i कॉमन, तो ये क्या बनेगा, यहां पे गौर करें, y1 x2 माइनस x1 y2 बना, होल डिवाइड बाय, यहां पे आप खुद देखें i का स्क्वायर है, i का स्क्वायर क्या होता है माइनस, माइनस माइनस आपका क्या बनेगा प्लस, तो ये x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर बन गया। यहां पे हम क्या किए, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में था, तो पहले इसको हम क्या किए रैशनलाइज, रैशनलाइज करने के बाद मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास ये आ गया। अब हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, सेपरेट करने का मतलब ये हो गया, तो मेरे पास यहां पे आ गया x1 x2 plus y1 y2 plus i times y1 x2 minus x1 y2 divide by x2 square plus y2 square। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, तो यहां पे मेरा z1 by z2 आ रहा, इसको अलग अलग किए तो ये x1 x2 plus y1 y2 होल डिवाइड बाई आपका क्या बनेगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस i टाइम्स ये आपका इधर क्या बनेगा y1 x2 माइनस x1 y2 होल डिवाइड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिवाइड किए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी डिवाइड करेंगे याद रखें, अगर डिनोमिनेटर में जब कभी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर रहा, अगर डिनोमिनेटर में कहीं भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो आप उसको हमेशा रैशनलाइज करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो उसको आप हमेशा रैशनलाइज करेंगे। तो यहां पे इसको हम अलग रखिए, अब आप यहां पे देख सकते हैं ये कंप्लीट रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट क्यों है क्योंकि यहां पे कहीं आई नहीं है और ये कंप्लीट आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो ये आपका क्या बन गया रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पे हम क्या देखें कि चार अलजेब्रिक ऑपरेशन में एडिशन अगर हम करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये था आपका अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहां पर एक होता है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जैसे आपके पास है जेड वन इज इक्वल टू जेड टू, ध्यान दें यहां पे जेड वन इज इक्वल टू जेड टू, यहां पे मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे जेड वन आपका एक्स वन प्लस आई वाई वन है और जेड टू आपके पास है एक्स टू प्लस आई वाई टू। तो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वालिटी है, यहां पे मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच क्या है इक्वालिटी, तो ये आपका x1 प्लस आई वाई वन, यहां पे आपके पास x2 प्लस आई वाई टू बना, गौर करें ये रियल पार्ट, ये भी आपका रियल पार्ट। तो जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वालिटी रहेगा, जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वालिटी रहेगा मतलब उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो होगा वो बराबर होगा, मतलब x1 और x2 आपस में बराबर हो गया और इधर आपके पास y1 और y2 आपस में बराबर होगा। याद रखें जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वालिटी होगा, जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वालिटी होगा तो दोनों का रियल पार्ट आपस में बराबर होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होगा। तो यहां पे हम दोनों के रियल पार्ट को आपस में बराबर किए, यहां पे हम दोनों के इमेजिनरी पार्ट को आपस में बराबर किए। तो हमेशा याद रखें जब कभी भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वालिटी आ रहा है तो दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को बराबर करेंगे। इस पर अगर हम कुछ प्रॉब्लम देखें तो हम देख सकते हैं इस पर कुछ प्रॉब्लम, जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना है, जहां पे आपके पास एक्स प्लस आई वाई इंटू टू माइनस थ्री आई जो है वो बराबर है फोर प्लस आई के। ध्यान दें यहां पे हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, जहां पे एक्स प्लस आई वाई इंटू टू माइनस थ्री आई आपका फोर प्लस आई के बराबर।
तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच मल्टीप्लिकेशन है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच मल्टीप्लिकेशन है, हम आपको क्या बताएं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले चेंज करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो यहां पर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या बना, 2x बना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3xi बन जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2iy बनेगा। इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई किए तो -3y (i²) बन गया। गौर करें ये क्या बना, 2x बना। यहां से आपके पास क्या बनेगा, -3xi, ये आपका क्या बना, 2iy, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए तो -3y (i²) बना (4+i)। अब यहां पे आप देखिए ये 2x है, फिर इन दोनों से अगर हम i कॉमन दे दे तो प्लस आई कॉमन, केवल इन दोनों से कॉमन दे दे तो यहां पे क्या बचा, 2y -3x बचा। यहां पे i² है, i² का वैल्यू क्या होता, माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो ये 3y क्या आ गया, 4+i। अब यहां पे गौर करें ये आई से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये रियल पार्ट, ये भी आपका आई से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये रियल पार्ट है। तो 2x प्लस 3y को हम एक साथ रखें, यहां से i कॉमन, तो 2y माइनस 3x = आपके पास क्या आ गया, 4+i। हम यहां पे क्या किए, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में पहले मल्टीप्लाई किए, तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किए तो ये आया, राइट हैंड साइड में 4+i है। अब गौर करें ये 2x और ये क्या बनेगा, +3y, तो 2x प्लस 3y, इन दोनों से हम i कॉमन लिए तो 2y माइनस 3x आ गया। तो ये देखिए रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो 2x प्लस 3y आपका किसके बराबर होगा, 4, क्योंकि यहां पे रियल पार्ट है। आप गौर कर सकते हैं ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच क्या है, इक्वालिटी, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वालिटी है, मतलब दोनों का रियल पार्ट बराबर होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा। तो 2x प्लस 3y = 4 आ गया और यहां पे आपके पास 2y माइनस 3x = 1 आ गया। यहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2y माइनस 3x, 2y माइनस 3x, आई यहां पे भी है, यहां पे भी आई है, आई कैंसिल होगा तो 2y माइनस 3x = 1। यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आया, दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है आप लोग सभी लोग को पता है, 9-10 में भी आप सॉल्व किए हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और इसको किसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, इसका ऐड करेंगे तो कट जाएगा। यहां से आप x और y निकालें, x और y निकालने के बाद जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो याद रखें कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वालिटी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच इक्वालिटी है, तो सबसे पहले आप दोनों को देखें, मतलब दोनों के रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर आएगा। इस टाइप के प्रॉब्लम में आपके पास एक तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, तो पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, इसके बाद आपका इक्वेशन फॉर्म करेगा, इक्वेशन फॉर्म करके दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। एक प्रॉब्लम अगर हम और देखते हैं इस पर कि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपका, जैसे एक प्रॉब्लम है आपके पास 3x माइनस 2iy, 3x माइनस 2iy इंटू 2+i का होल स्क्वायर, और इधर है आपके पास 10 इंटू 1 प्लस आई, हमको x और y का वैल्यू निकालना। तो ये क्या बनेगा, 3x माइनस 2iy, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4, प्लस i का स्क्वायर, प्लस ये क्या बना, 4i, 3x माइनस 2iy, a का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 4i, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 10 प्लस 10i आया। नेक्स्ट मेरे पास गौर करें ये 3x माइनस 2iy है, यहाँ पे 4 है, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता, -1, तो ये -1 प्लस 4i = 10 प्लस 10i आ गया। फिर ये क्या आएगा, 3x माइनस 2iy, 4 - 1 आपका क्या बनेगा, 3 + 4i = 10 प्लस 10i बना। अब हम मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम क्या बताए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 9x,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12xi, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6iy आएगा, देखें -6iy। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8i का स्क्वायर y आया, इधर से 10+10i आ गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 9x है, ये आई स्क्वायर आपका क्या बनेगा, माइनस, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो ये 9x+8y बन गया। ध्यान दीजिए 9x+8y बना। फिर इन दोनों से अगर हम i कॉमन ले लें तो i कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा, -6y आ गया, और इधर आपके पास क्या आ गया, 10+10i। गौर करें, यहाँ पे हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, तो जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x आया। पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो रियल पार्ट है यहाँ पे आई स्क्वायर -1 बनेगा, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, तो ये 9x+8y को एक साथ रखे, यहाँ पे आई दोनों से कॉमन ले लिए तो ये 12x+6y = 10+10i आ गया। अब आप देख सकते हैं ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, ये भी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, तो दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, बराबर। तो हम दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को बराबर करते हैं, तो जैसे ही हम दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बराबर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9x+8y = 10, ये एक इक्वेशन बनेगा, और दूसरा यहां से क्या आएगा, 12x-6y = 10, ये दूसरा इक्वेशन। अब आप खुद देखें यहां पे फिर से आपके पास x और y के रूप में दो इक्वेशन आ गया, तो x और y के रूप में दो इक्वेशन आ गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो ये था आपका दो प्रॉब्लम जो कि हम इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पे बताएं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस किए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएं। तो इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।